अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को नेट के कपड़े में डिज़ाइनर फ्रॉक बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने इस तरह अम्ब्रेला फ्रॉक कट करके रख लिया है। ये इसकी जो ये घेरा है और ये ऊपर का बॉडी है। हमारी पूरी फ्रॉक की लेंथ 33 इंचेस है। देखिए, हमने ऊपर से 10 इंचेस की रेडी बॉडी है, तो हमने इसमें 1 इंच यानी कि 1 इंचेस माया मिलाकर 11 इंच की ऊपर की जो वेस्ट लंबाई होती है उसमें के बॉडी कट करके रखा हुआ है। और नीचे हमारा जो घेरा है, बचे हुए नंबर्स में हमने इस घेरे को कट किया हुआ है। देखिए हमारे घेरे की लंबाई, देखिए हमारी जो घेरे की लंबाई है वो 22 इंचेस है। तो ये हमारा अस्तर हमने कट कर लिया है। अब हम इसे नेट पर रख कर कट करेंगे। ये कपड़ा हमने नेट का कपड़ा 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। हमने नेट का कपड़ा 1.5 मीटर लिया हुआ है। हम इस पर अस्तर इस तरह ओपन करके बिछा रहे हैं। देखिए, ऊपर का जो कपड़ा है हमारा, यहाँ का कमर का, ये हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, हमने इसे कट कर लिया है इस तरह। अब हम नीचे की साइड में 2 इंच कपड़ा रखते हुए मार्जिंग लगा निशान लगाएंगे और एक 4 इंच कपड़ा रखते हुए निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें बैक साइड में थोड़ा लॉन्ग रखना है और फ्रंट साइड में हमें छोटा रखना है यानी कि शॉर्ट रखना है घेरा फ्रॉक का। तो देखिए, इस तरह 2 फोल्ड कपड़े को रखते हुए मैं इसमें निशान लगाऊंगी। मार्क टेप की मदद से मैं इसमें मार्क लगाऊंगी। देखिए, इसमें मैं इस तरह मार्जिंग लगा रही हूँ। देखिए, इसमें 4 इंचेस नहीं आ रहा है, तो मैं 3.5 इंचेस से इस तरह पूरा मार्क चौक से निशान लगा लूँगी राउंड पूरा। देखिए, हमने 3.5 इंचेस का इस तरह मार्क बना लिया है इसके ऊपर। अब हम ये जो एक्स्ट्रा मार्क लिए हैं, ये बैक साइड पे हमें टेल कट के टाइप में बनाना है इस फ्रॉक को, इसलिए हम 5.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, हमने जो बैक साइड का हिस्सा बढ़कर लिया हुआ था 5.5 इंचेस, इसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें से फ्रंट साइड में छोटा रखना है और बैक साइड में लंबा रखना है टेल कट के टाइप में, इसलिए इसे सिर्फ एक नेट के कपड़े को हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह मैं इसे कट कर रही हूँ। देखिए, हम ये कपड़ा कट करके इस तरह हटा रहे हैं। ये जो हमने एक पदर हटा लिया है इसमें से नेट का कपड़ा, ये हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा है जो छोटा है, और पीछे जो बैक साइड का हिस्सा है ये बड़ा है। तो ये टेल कट टाइप में अम्ब्रेला फ्रॉक है। अब हम इस नेट के ऊपर बॉडी रखकर कट कर लेंगे जो अस्तर हमने कट किया हुआ था। देखिए, इसकी लेंथ हमने 11 इंचेस ली हुई है अस्तर की। नेट पर भी हम सेम कट करेंगे। इसका जो शोल्डर है वो 4.5 इंचेस है, इसका आर्मोल है 4.5 इंचेस, और ये जो चेस्ट का हिस्सा है वो 13 रेडी है यानी कि इसका हाफ 6.5 इंचेस। यहाँ पर हमने 1.5 इंचेस मार्जिंग ली हुई है। इस तरह हम इसे 4 फोल्ड कपड़ा रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए, हमें इस तरह नीचे से थोड़ा सा राउंड करके इसमें कट करना है बॉडी में। अब हम इसकी आस्तीन बताएंगे। देखिए, अब हम बचे हुए कपड़े में अम्ब्रेला आस्तीन कट करेंगे, इसलिए हमें इसे सेम अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह कपड़े को फोल्ड करना है। ये पहले मैंने 4 फोल्ड कर दिया है वाय। अब इसमें मैं और एक बार फोल्ड करूंगी, यानी कि हम इसे 8 फोल्ड यानी कि 8 पदर कपड़ा रखते हुए मिला रख लेंगे और इसे इस तरह कट कर लेंगे। अब हम इसमें अम्ब्रेला आस्तीन कट करेंगे। देखिए, अम्ब्रेला आस्तीन कट करने के लिए हमें ये जो हमारा बॉडी का हिस्सा है, इस माये को हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये जो बचा हुआ हिस्सा है हमें इसे लगाना है अम्ब्रेला आस्तीन, तो हम इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर रखते हुए हम इसी के बराबर से ऊपर की नोक को कट कर लेंगे। इस तरह हम ऊपर के कपड़े को हटा लेंगे और फिर हम इसमें लंबाई देखते हुए आस्तीन कट करेंगे। देखिए, इसकी जो लंबाई है ये 6.5 इंचेस है। इस तरह हम राउंड 6.5 इंचेस का निशान लगा लेंगे। देखिए, इस तरह मैं 6.5 इंचेस का निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंचेस का इस तरह निशान लगाते हुए हम इसे राउंड कट कर लेंगे। इस तरह हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, मैं इसे खोलकर बता रही हूँ ये किस तरह दिखते हैं। देखिए, ये पूरा राउंड फ्रॉक की तरह हो गए। ये जो बीच में इस ओपन कपड़ा है इसे हमें लगाना है आस्तीन के ऊपर। तो ये हमारे अम्ब्रेला आस्तीन थे। इसमें आप अस्तर चाहे तो डाल भी सकते हैं, लेकिन ये छोटा बेबी फ्रॉक है इसलिए मैं इसमें अस्तर नहीं डालूंगी। देखिए, इस तरह हमारा ये टेल कट फ्रॉक कट हो चुका है। बैक साइड का हिस्सा लॉन्ग, सामने का फ्रंट का हिस्सा शॉर्ट।
और इसके अस्तर के साथ इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका बेल्ट बताएंगे। देखिए, हम बचे हुए कपड़े में बेल्ट कट करेंगे। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, हम इसे इस तरह क्रॉस में रख लेंगे और अब हम इसमें बेल्ट कट करेंगे, यानी कि जो पीछे फ्रॉक में हमें लगाना है। आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप चौड़ा भी कट कर सकते हैं या फिर चौड़ाई में कम भी कट कर सकते हैं। इस तरह मैं इसे कट कर रही हूँ। देखिए, ये हमारा बेल्ट था, जब हम इसे फोल्ड करके लगाएंगे तो ये, जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये और कम हो जाएगा, तो ये हम पीछे बैक साइड में लगाएंगे। तो ये थी टेल कट फ्रॉक की कटिंग। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, कंप्लीट होने के बाद ये फ्रॉक इस तरह दिखता है। इसमें हमने अम्ब्रेला अस्तीन लगाए हुए हैं, जिसमें हमने अस्तर नहीं लिया हुआ है। ये देखिए, जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक सीते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये फ्रॉक तैयार होता है, लेकिन पीछे लॉन्ग होता है और सामने शॉर्ट होता है। अब हम इसे नीचे पीको करा लेंगे और अस्तीनों में भी हम पीको करा लेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।